गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सीन 7 शुरू करेंगे और ये कास्केट सीन के अंदर आता है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेलमोन पोर्शिया के घर का सीन है ये। पोर्शिया और मोरक्को, मोरक्को को हम सीन फर्स्ट में भी देख चुके हैं। वो अपनी बहुत ज़्यादा शेखी बघारता है कि वो कुछ भी कर सकता है पोर्शिया के लिए। अब फाइनली वो कास्केट चुनने के लिए आ रहा है तो पोर्शिया अपने अटेंडेंट से कहती है, गो ड्रॉ असाइड द कर्टन्स, पर्दे हटा दो, डिस्कवर द सेवरल कास्केट टू दिस नोबल प्रिंस, और इन प्रिंस को कास्केट दिखाओ। टू मोरक्को, नाउ मेक योर चॉइस, अब आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। यानी उसके सामने तीनों कास्केट हैं और वो अपनी चॉइस कर सकता है। मोरक्को, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, पहली कास्केट गोल्ड की वो देखता है जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन, यानी हर कास्केट के ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उस पर गोल्ड पर लिखा हुआ है, हु चूजेज मी शैल गेन वाट मैन डिज़ायर, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जिसके लिए बहुत सारे व्यक्ति इच्छा रखते हैं। द सेकेंड सिल्वर, दूसरी कास्केट सिल्वर की थी, विच दिस प्रोमिस कैरीज, जिस पर इंस्क्रिप्शन लिखा था, हु चूजेज मी, जो मुझे चूज करेगा, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, उसे वो मिलेगा जो उसके लिए वो योग्य है। दिस थर्ड द लेड, तीसरी कास्केट लेड की बनी हुई थी, विद वार्निंग ऑल एज ब्लंट, और उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो इंस्क्रिप्शन कम और वार्निंग ज़्यादा लग रही थी, हु चूजेज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैज, जो मुझे चूज करेगा उसे जो उसके पास है वो भी देना पड़ेगा और साथ ही हैजर्ड यानी कि जोखिम में डाल देगा, रिस्क लगाएगा अपनी सारी जो भी उसके पास है। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, मुझे कैसे पता चलेगा सही कास्केट कौन सी है। तो पोर्शिया उसे बताती है कि सही कास्केट का पता कैसे चलेगा। पोर्शिया, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इनमें से एक में मेरी पिक्चर है। इफ यू चूज इज दैट देन आई एम योर्स विदल, अगर तुम उसे चूज करते हो तो उसका मतलब है मैं तुम्हारी हूँ, मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। मोरक्को, सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट, भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे बुद्धि दे, जैसे आप लोग एग्जाम के टाइम अगर कुछ नहीं आता तो भगवान के भरोसे हो जाते हो, तो वो भी इसी तरह से कह रहा है। आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन, पहले मैं इंस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ूंगा। बैक अगेन, दोबारा से शुरू करता है। वाट सेज दिस लेडन कास्केट, ये लीड की कास्केट क्या कहती है। हु चूजेज मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, जो मुझे चूज करेगा वो जो उसके पास है वो सबको छोड़ना पड़ेगा। मस्ट गिव फॉर वाट, किसके लिए सब कुछ छोड़ूँ, फॉर लेड, हैजार्ड फॉर लेड, यानी लेड जो कि एक सबसे मामूली मेटल होता है उसके लिए सब कुछ छोड़ने की बात कर रहा है। दिस कास्केट थ्रेटेंस मैंस दैट हैजार्ड ऑल, ये कास्केट क्या कर रही है, थ्रेट कर रही है यानी कि एक तरह से धमकी दे रही है। डू इट इन द होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस, यानी अगर कुछ सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो किसके लिए छोड़ेगा, फेयर एडवांटेजेस के लिए, कुछ अच्छे लाभ के लिए। एक गोल्डन माइंड स्टूप नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस, जो गोल्डन माइंड होते हैं यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ड्रॉस के लिए यानी बेकार की चीज़ों के लिए नीचे नहीं झुकते, यानी कि वो अपनी सारी संपत्ति किसी बेकार की चीज़ के लिए नहीं छोड़ते। आई विल देन नॉट, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। गिव नॉट हैजार्ड ऑट फॉर लेड, लेड के लिए सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। वाट सेज द सिल्वर विद हर वर्जिन ह्यू, और ये सिल्वर कैसी क्या बोल रही है, और सिल्वर को यहाँ पर वर्जिन ह्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि सिल्वर का कलर होता है वाइट, और वाइट कलर वर्जिन, वर्जिन का मीन्स है यहाँ पर प्योर, प्योर कलर माना जाता है। वो क्या कहती है, हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जिसके वो योग्य है। एज मच एज ही डिजर्व, पोज, कहता है यहाँ पर रुको, मोरक्को, एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड, अपनी वैल्यू लगाओ यानी कि तुम क्या डिजर्व करते हो। इफ दाउ बी बेस्ट रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन, दाउ डॉस्ट डिजर्व इनफ, अगर तुम अपना एस्टिमेट लगाते हो तो तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी, और इतना डिजर्व करते हो कि इस लेडी के यानी कि तुम पोर्शिया को डिजर्व करते हो। एंड येट टू बी अफियर्ड ऑफ माई डिजर्विंग,
फिर मुझे अपनी डिजर्व होने पर डर क्यों लग रहा है? वर बट ए वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ? एज मच एज आई डिजर्व, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, यानी वो एक तरह से सोचता है कि वो क्या डिजर्व करता है। वाई दैट इज द लेडी, जो पोर्शिया है, आई डू इन बर्थ डिजर्व हर, बाय बर्थ भी मैं उसे डिजर्व करता हूँ, यानी कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और वो भी, एंड इन फॉर्चून, पैसों में भी, वो भी अमीर है, प्रिंस ऑफ मोरक्को भी अमीर है, इन ग्रेस, यानी दोनों ही ग्रेसफुल हैं, इन क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग, खानदान की तरफ से क्वालिटीज़, हर तरफ से वो दोनों बराबर हैं, यानी वो उसे डिजर्व करता है। बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिजर्व, इन सबसे भी ज़्यादा लव में, यानी मैं पोर्शिया को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे डिजर्व करता हूँ। वाट इफ आई स्टे नो फर्दर बट चूज हेयर, तो वो एक, उसका मन करता है कि वो अब दूसरे पर ना जाए, बल्कि इसी कास्केट को, जो सिल्वर कास्केट है, उसे चूज़ कर ले। लेट अस सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड, लेकिन फिर भी उसका मन करता है एक बार गोल्ड कास्केट को भी देखे। हु चूजेज मी शैल गेन वाट मैनी मैन डिजायर, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जिसकी इच्छा बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। वाई दैट इज द लेडी, ये जो पोर्शिया है, ऑल द वर्ल्ड डिजायर हर, दुनिया में हर किसी की इच्छा है पोर्शिया से शादी करने की। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, चारों दिशाओं से व्यक्ति आ रहे हैं, नौजवान राजकुमार आ रहे हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए। टू किस दिस श्रीन दिस मोर्टल ब्रीदिंग सेंट, अगर आप पोर्शिया कैरेक्टर लिखेंगे उसमें ये वर्ड जरूर लिखना, मोर्टल ब्रीदिंग सेंट, यानी पोर्शिया की तुलना किससे करता है? एक ऐसी सेंट से करता है जो मोर्टल है, इंसान के रूप में ब्रीद कर रही है, लेकिन सेंट है, यानी कि एक वो देवी की तरह से है, और उसकी शिरीन को, उसकी मजार को किस करने के लिए दूर दूर से व्यक्ति आ रहे हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया की तारीफ करते हुए कहता है कि द हिरकेनियन डेजर्ट, द वास्ट वाइल्ड ऑफ वाइड अरेबिया आर एज थोरो फेयर नाउ। हिरकेनियन डेजर्ट, जो कि बहुत बड़ा डेजर्ट है, और अरब का जो बहुत बड़ा जंगल है, वो अब थोरो फेयर बन गया है, थ्रू फेयर बन गया है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से सड़क की तरह से, जैसे लोग आराम से सड़क से आते जाते हैं, उसी तरह से डेजर्ट को पार करके आ रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों को पार करके आ रहे हैं, ताकि वो फेयर पोर्शिया को देख सकें। द वाटरी किंगडम हुज एम्बिशियस हेड स्पैट्स इन द फेस ऑफ हेवन इज नो बार टू स्टॉप द फॉरन स्प्रिट, बट दे कम एज ओवर ए ब्रूक टू सी फेयर पोर्शिया। और वाटरी किंगडम, यानी जो समुद्र हैं, जिनकी लहरें इतनी ऊंची जाती हैं कि वो आकाश को छू लें, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से भी राजकुमार आ रहे हैं, ताकि वो पोर्शिया को एक बार देख सकें। तो इससे ये बात पता चलती है कि पोर्शिया कितनी खूबसूरत है, और उससे शादी करने के लिए कितने सारे राजकुमार आ रहे हैं। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, इन तीनों में से एक कास्केट में पोर्शिया की पिक्चर है। इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स हर, क्या हो सकता है कि लेड वाली कास्केट में हो? इट वर डैमनेशन, यानी बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा तो सोचना भी पाप है। इट वर टू ग्रॉस टू रिब हर सैर क्लोथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव, और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज इम्यूड, यानी इतनी ज़्यादा डल है ये लेड की कास्केट कि ये तो एक ग्रेव का, यानी किसी कब्र में जाने वाले आदमी के कब्र का क्लोथ बनने लायक भी नहीं है। और फिर सोचता है कि क्या सिल्वर में पोर्शिया की पिक्चर होगी। बींग 10 टाइम्स अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड, लेकिन जो सिल्वर होता है वो गोल्ड से 10 गुना प्राइस में कम होता है। ओ सिनफुल थॉट नेवर सो रिच ए जैम वाज सेट इन वर्स देन गोल्ड, जो भी जैम होता है, जो भी हीरा मोती पन्ना जो भी होते हैं, वो कभी भी सोने से कम मेटल में नहीं लगाए जाते। दे हैव इन इंग्लैंड, ए कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल, इंग्लैंड में एक कॉइन है जहाँ पर एंजल की फोटो लगी होती है, स्टैम्प्ड इन गोल्ड, और उस किस कौन सा मेटल होता है वहाँ पर? गोल्ड का।
एंड दैट इज इन स्कर्ब्ड अपोन बट हेयर एन एंजल इन ए गोल्डन बेड. और पोर्शिया भी किसी एंजल से कम नहीं है, तो इसका मतलब है वो गोल्डन कास्केट में ही उसकी पिक्चर होगी. लाइज ऑल विद इन, डिलीवर मी द की, हेयर डू आई चूज, यानी उसने तय कर लिया है कौन से कास्केट को उसे खोलना है और वो उसे की मांगते हैं. पोर्शिया, देयर टेक इट प्रिंस, एंड इफ माई फॉर्म लाई देयर देन आई एम योर, अगर मेरी पिक्चर उसमें निकलती है तो मैं तुम्हारी हूँ. मोरक्को, ओ हेल वाट हैव वी हियर, जैसे ही खोलता है सामने, ओ हेल यानी बिल्कुल निराश हो जाता है, क्या मिला है यहाँ पर, एक कैरियन डेथ, एक मरे हुए आदमी का स्कल यानी खोपड़ी, विद इन हुज एम्प्टी आई देयर इज ए रिटन स्क्रोल, और इसकी जो खाली आंखें हैं यानी खोपड़ी की आंखें जो खाली हैं उसमें एक स्क्रोल रखा हुआ है. स्क्रोल कहते हैं एक रोल किए हुए पेपर को, जैसे पहले के टाइम में चिट्ठियां वगैरह जाती थी तो वो रोल करके जाती थी, उसी तरह का एक रोल किया हुआ पेपर उसमें रखा होता है. आई विल रीड द राइटिंग, मैं इसे पढ़ूंगा, और उस लिखा हुआ था उसमें, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, तुमने ये कहावत सुनी होगी, मैनी ए मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड बट माई आउटसाइड टू बिहोल्ड, बहुत सारे लोग आउटसाइड ब्यूटी को देखकर, जैसे उसने सोने की चमक देखी बाहर से, अंदर से उसे नहीं पता क्या था, तो ऐसे ही बाहरी खूबसूरती को देखकर बहुत सारे व्यक्ति अपनी सब कुछ बेच देते हैं. गिल्डिड टिम्बर डू वॉर्म्स अनफोल्ड, जो गिल्डेड टिम्बर होती हैं यानी कि जो सोने की कब्र होती हैं उसके अंदर कीड़े रहते हैं, यानी बाहर से वो खूबसूरत लगती हैं लेकिन अंदर उसमें कीड़े होते हैं. हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, काश तुम इतने बोल्ड होते, काश तुम इतने वाइज होते जितने कि बोल्ड हो. बोल्ड क्यों है वो, क्योंकि उसने डिसीजन लिया कास्केट खोलने का इस शर्त के बाद भी कि उसके बाद वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा अगर उसे सही कास्केट नहीं मिलती. यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, तुम जवान हो हाथ पैरों से लेकिन जजमेंट में काश तुम ओल्ड होते, यानी बूढ़े आदमी जितने तुम बुद्धिमान होते. योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रोल्ड, तुम्हारा जवाब जो है वो गलत है. फेयर यू वेल योर सूट इज कोल्ड, कोल्ड इंडीड एंड लेबर लोस्ट, इसलिए उसे फेयरवेल करते हैं क्योंकि उसकी जो सूट है वो कोल्ड है, यानी कि अब उसकी दूसरा चांस नहीं मिलेगा उसे. देन फेयर वेल हीट एंड वेलकम फ्रोस्ट, वो भी अब अपनी फेयर हीट को यानी कि अपनी लाइफ की जो गर्मी थी उसे फेयरवेल करता है, और फ्रोस्ट को, अब उसकी लाइफ कैसी रहेगी, फ्रोस्ट बर्फ की तरह से ठंडी. पोर्शिया एड यू आई हैव टू ग्रीव्ड ए हार्ट, उसे बहुत दुख होता है, टू टेक ए टीडियस लीव, दस लूजर्स पार्ट, इस तरह लूजर्स चले जाते हैं. पोर्शिया ए जेंटल रिडेंस, अच्छा हुआ वो खुश होती है कि उससे उसे छूट गई, यानी पोर्शिया कहती है गुड रिडेंस, खुश होती है देखकर कि प्रिंस ऑफ मोरक्को ने सही कास्केट नहीं चुनी. ड्रॉ द कर्टन, कर्टन गिराने के लिए कहती है, लेट ऑल ऑफ हिज कम्प्लेक्शन चूज मी सो, भगवान करे जितने भी उसके जैसे कम्प्लेक्शन के व्यक्ति आए वो सब गलत कास्केट ही चूज करें. सीन 8 शुरू होता है बच्चों, वेनिस का है ये. यहाँ पे सेलेरिनो और सेलेनियो आपस में बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, बस वो आपस में बात कर रहे होते हैं. पहले तो वो खबर एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरह से ज्यू यानी शाइलोक बिहेव करता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी वहाँ से भाग गई है. ही कम्स टू लेट एंड शिप वॉज अंडर सेल, वो बुसैनियों के जहाज में पर भी देखने जाता है कि उसकी बेटी वहाँ तो नहीं गई है, लेकिन तब तक उसका जहाज जा चुका था. बट देयर द ड्यूक वॉज गिवेन टू अंडरस्टैंड दैट इन ए गोंडोला वर सीन टुगेदर, लेकिन फिर किसी ने बताया कि एक गोंडोला, एक जो छोटी नाव थी, उसमें किसी ने लोरेंजो और जैसिका को जाते हुए देखा है, और एंटोनियो ने भी इस बात को बताया था कि वो बुसैनियों के शिप में नहीं थे. सोलेनियो कहता, आई नेवर हर्ड ए पैशन सो कन्फ्यूज, मैंने कभी किसी इतने कन्फ्यूज पैशन को नहीं देखा, सो स्ट्रेंज आउटरेजियस एंड सो वेरिएबल, यानी वो जब रो रहा होता है तब ये नहीं पता चलता कि वो किसके लिए इतना रो रहा है, क्योंकि वो कहता है, एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट, गलियों में क्या क्या बोलकर वो रो रहा था, माई डॉटर, ओ माई डुकेट्स, ओ माई डॉटर, यानी डॉटर और साथ ही डुकेट्स, उसके सोने के सिक्के. फ्लैड विद ए क्रिश्चियन, मेरी डॉटर एक क्रिश्चियन के साथ चली गई, ओ माई क्रिश्चियन डुकेट्स,
जस्टिस द लॉ, न्याय की मांग करता है। माई डुकेट्स एंड माई डॉटर, ए सील्ड बैग, टू सील्ड बैग ऑफ डुकेट्स, यानी इतना सारा पैसा लेकर मेरी बेटी चली गई। ओ डबल डकेट्स स्टोलन फ्रॉम मी बाय माई डॉटर, मेरी बेटी ने ही मुझसे मेरे डकेट्स चुरा लिए। एंड ज्वेल्स, टू स्टोन, टू रिच एंड प्रीशियस स्टोन्स स्टोलन बाय माई डॉटर, जस्टिस फाइंड द गर्ल, उस लड़की को ढूंढो, यानी उसे अपनी बेटी से ज़्यादा उन पैसों में, उस ज्वेलरी में इंटरेस्ट है जो वो लेकर गई है। शी हैड द स्टोन अपोन हर एंड द डुकेट्स, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ पे सेलेनियो एक खबर और देता है। मैरी वेल रिमेम्बर्ड, आई रीजन विद ए फ्रेंच मैन येस्टरडे हु टोल्ड मी इन द नैरो सीज दैट पार्ट द फ्रेंच एंड इंग्लिश दे आर मिस कैरीड ए वेसल ऑफ आर कंट्री रिचली फ्रॉट। आई थॉट अपॉन एंटोनियो वैन ही टोल्ड मी एंड विज्ड इन साइलेंस दैट इट वर नॉट हिज। सेलेनियो बताता है कि एक फ्रेंच मैन उसे मिला था जिसने बताया था कि फ्रांस और इंग्लैंड के पास जो समुद्र है वहाँ पर एक जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया है, मिस कैरीड हो गया, और वो जहाज़ अच्छी तरह से सामान से लदा हुआ था। और उसे एकदम से एंटोनियो का ध्यान आता है और वो भगवान से विश करता है कि ये जहाज़ एंटोनियो का ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये जहाज़ एंटोनियो का ही होता है क्योंकि बाद में ये खबर एंटोनियो तक भी पहुँच जाती है। सेलेनियो यहाँ पर कहता है एक काइंडर जेंटलमैन, क्योंकि एंटोनियो क्या है, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। ट्रीट्स नॉट ऑन अर्थ, उसके जैसा सज्जन व्यक्ति दूसरा कोई धरती पर नहीं होगा। आई सा बोसेनियो एंड एंटोनियो पार्ट, मैंने एंटोनियो और बोसेनियो को एक दूसरे से विदा लेते हुए देखा था। बोसेनियो टोल्ड हिम ही वुड मेक सम स्पीड ऑफ हिज रिटर्न, वो जल्दी से उसके पैसे लौटा देगा। ही आंसर डू नॉट सो स्लेबर नॉट बिजनेस फॉर माई शेक, लेकिन वो कहता है कि जल्दी मत करना मेरे लिए बोसेनियो, बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम, लेकिन अपना काम पूरा करना। एंड फॉर द ज्यूज बोंड विच ही हैथ ऑफ मी, और जो ज्यू का बोंड जो उसने भरा है, लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव, तुम इसे अपने प्यार के बीच में मत आने देना। बी मैरी एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट, तुम अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना, टू कोर्टशिप, क्योंकि वो वहाँ पर कोर्टशिप करने जा रहा है, पोर्शिया से शादी करने जा रहा है। तो इस तरह से वो पैसे के लिए बिल्कुल भी इस पर दबाव नहीं डालता कि तुम जैसे ही वहाँ पहुँचो वैसे ही मेरे पैसे वापस कर देना, बल्कि कहता है कि तुम पहले अपना काम करना, पैसों का वो खुद देख लेगा। ही रंग बोसेनियोज हैंड एंड सो दे पार्टेड, और इस तरह से वो पार्ट हो गई। सेलेनियो, आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ड फॉर हिम, मैं समझता हूँ कि एंटोनियो बोसेनियो से बहुत प्यार करता है। आई प्रे दी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट, चलो उसे मिलते हैं और उसे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करते हैं। सीन 9 शुरू होता है, ये भी कास्केट सीन का एक पार्ट है। यहाँ पर पोर्शिया का हाउस है, नेरिसा और सर्वेंट एंटर करते हैं। नेरिसा, क्विक क्विक आई प्रे दी ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, कर्टन हटा दो, द प्रिंस ऑफ एरेगेन हैड टेकन हिज ऑथ, एरेगेन के प्रिंस ने ओथ ले ली है। एंड कम टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, और वो कास्केट चूज करने के लिए आ रहे हैं। ये ओथ वाली चीज हमने पहली बार यहाँ पर देखी है, लेकिन इससे पहले इसका हिंट मिलता है जब पोर्शिया प्रिंस ऑफ मोरक्को को बताती है कि उसे टेम्पल में जाना है। यानी कास्केट चूज करने से पहले टेम्पल में जाना होता था जहाँ पर वो शपथ लेते थे। एंटर एरेगन एंड हिज अटेंडेंट्स एंड पोर्शिया। पोर्शिया, बिहोल्ड देयर स्टैंड द कास्केट, नोबल प्रिंस, नोबल प्रिंस, ये कास्केट रखी है। इफ यू चूज दैट वेयर इन आई एम कंटेन्ड, अगर तुम वो कास्केट चूज करती हो जिसमें मेरी पिक्चर है, स्टेट शैल आर नपशियल राइट बी सोलमनाइज, तुरंत हमारी शादी हो जाएगी। बट इफ दाउ फेल, लेकिन अगर तुम फेल होते हो, विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड यू मस्ट बी गोन फ्रॉम हेंस इमिडिएटली, लेकिन अगर तुम फेल होते हो, तुम सही कास्केट नहीं चूज करते, तो तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना पड़ेगा। एरेगन, आई एम एंजॉइंड बाई ओथ टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की मैंने शपथ ली है। फर्स्ट, नेवर बी अनफोल्ड टू एनी वन विच कास्केट इट वॉज आई चूज, मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कौन सी कास्केट चूज की है और उसमें क्या निकला है।
नेक्स्ट, इफ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट नेवर इन माई लाइफ टू वू ए मेड इन द वे ऑफ मैरिज, अगर मैंने सही कास्केट नहीं चुनी तभी भी मैं शादी नहीं करूँगा पूरी जीवन भर। लास्टली, इफ आई डू फेल इन फॉर्चून ऑफ माई चॉइस, और अगर मैं फेल होता हूँ, इमिडिएटली टू लीव यू एंड बी गोन, तुरंत मैं तुम्हें यहाँ से चला जाऊँगा, यानी उसके बाद वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। टू माई हार्ट्स होप गोल्ड सिल्वर एंड बेस लैड, तीन कास्केट रखी हुई हैं। हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, लेड कास्केट पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, यू शैल लुक फेयरर एयर आई गिव और हैजर्ड। तो वो लेड कास्केट को देखकर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दूँ तो तुम्हें थोड़ा सा फेयर तो दिखना पड़ेगा, यानी कम से कम तुम दिखने में थोड़ी अच्छी तो हो। वाट सेज द गोल्डन चेस्ट, गोल्डन कास्केट क्या कहती है, हाँ लेट मी सी, देखने दो। हु चूजेज मी शैल गेन वाट मैनी मैन डिज़ायर, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जिसकी इच्छा बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। वाट मैनी मैन डिज़ायर, बहुत सारे व्यक्ति इच्छा करते हैं। दैट मैन मी मे बी मीट बाय द फूल मल्टीट्यूड, मैनी का मतलब तो होता है भीड़। दैट चूजेज बाय शो, और भीड़ उस चीज़ को चूज करती है जो दिखने में अच्छा होता है। नॉट लर्निंग मोर देन द फोन्ड, तो इस तरह से वो कोई भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई डथ टीच, उसकी आंखें जो भीड़ की आंखें देखती हैं वो उसी चूज कर लेते हैं। विच प्राइस नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्लेट, बिल्ड इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल, और एक चिड़िया होती है मार्लेट, वो अपना घोंसला बाहर बनाती है वॉल पर, और साथ ही वो फिर खतरे में आ जाती है, यानी कि सबसे आगे, जबकि बाकी चिड़िया पेड़ के अंदर घोंसले बनाती हैं लेकिन वो बाहर बनाती है। तो इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, तो उसके साथ कैजुअलिटी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आई विल नॉट चूज़ वाट मैनी मैन डिज़ायर, मैं उस चीज़ को चूज़ नहीं करूँगा जिसकी इच्छा बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। बिकॉज आई विल नॉट जम्प विद कॉमन स्प्रिट, क्योंकि मैं कॉमन स्प्रिट के साथ नहीं जाऊँगा। एंड रैंक मी विद द बार्बरस मल्टीट्यूड, मैं नहीं चाहता कि भीड़ के साथ मेरी तुलना हो, मेरे रैंक उनके साथ हो। वाई देन टू दी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, तो वो फिर सिल्वर पर आता है। टेल मी वंस मोर वाट टाइटल दाउ डोस्ट बियर, क्या लिखा होता है। हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जिसके वो योग्य है। एंड वेल सेट टू, फॉर हु शैल गो अबाउट टू कोजन फॉर्चून एंड बी ऑनरेबल, और उससे ज़्यादा योग्य कौन हो सकता है पोर्शिया के। विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, यहाँ पर वो कहता है कि बिना मेरिट के, क्योंकि अगर योग्यता नहीं होती तो डिग्निटी डिजर्व नहीं करते, यानी योग्यता के बिना अच्छे पदों पर नहीं जाना चाहिए। ओ दैट एस्टेट डिग्री एंड ऑफिसेज वर नॉट डिराइव्ड करप्टली, करप्शन से इन ऑफिस को, इन एस्टेट्स को नहीं पाना चाहिए, यानी कि जो लोग करप्ट होते हैं वो अपनी पैसे के सहारे पर वहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन वो उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते। दैट क्लियर ऑनर वर परचेज्ड बाय द मेरिट ऑफ द वियरर, और ओनर को परचेज कर लिया जाता है, यानी कि करप्शन से उस पोस्ट को खरीद ली जाती है। हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, अगर मेरिट से ही चीज़ों को चुना जाएगा तो कितने सारे लोग बेयर हो जाएंगे, यानी कि अपना सर ढक नहीं पाएंगे, लोगों के सामने अपना रेस्पेक्ट बना नहीं पाएंगे। हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, कितने सारे ऐसे जो कमांडर हैं वो कमांडेंट, उन्हें कमांडर्स की पोस्ट से हटकर नौकर की पोस्ट पर आना पड़ेगा अगर मेरिट के हिसाब से हो। हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ओनर, और कितने सारे जो लो पीजेंट्री है, जो गरीब लोग हैं, अगर मेरिट से मिले तो उन्हें बहुत अच्छा पोस्ट मिल सकती है। हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ एंड रूइन ऑफ द टाइम टू बी न्यू वार्निश्ड, यानी मेरिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो यहाँ पर मेरिट की बात है। वेल
टू माई चॉइस, हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, आई विल एज्यूम डेजर्ट। तो उसे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है पोर्शिया को, गिव मी की फॉर दिस, मुझे इसकी की दो, यानी वो सिल्वर कास्केट को चूज़ करता है। एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्चून हेयर, और वो अपने फॉर्चून को वहाँ पर देखना चाहता है। पोर्शिया, टू लॉन्ग ए पोज फॉर दैट विच यू फाइंड हेयर। जैसे ही वो उसे खोलता है एकदम रुक जाता है, ऐसे लगता है जैसे वो पैरालाइज्ड हो गया है। तो पोर्शिया कहती है, इतना लंबा पोज क्या मिला इसे? इसका मतलब पोर्शिया को खुद भी नहीं पता होता तब तक कि उस किस कास्केट में उसकी फोटो है। एरेगोन, व्हाट इज हियर, ये क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट, एक इडियट की यानी फूल की फोटो, और वो भी ब्लिंक करते हुए, जो अपनी पलकों को झपकाता रहता है। प्रेजेंटिंग मी ए शेड्यूल, इसने मुझे एक शेड्यूल यानी स्क्रोल, जैसे पहले वाली कास्केट में निकला था, आई विल रीड इट, मैं इसे पढ़ूंगा। हाउ मच अनलाइक आर्ट दाउ टू पोर्शिया, यानी तुम पोर्शिया के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। इसका मतलब वो उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही वो कास्केट खोलेगा उसमें पोर्शिया की फोटो निकलेगी, लेकिन निकली किसकी? एक इडियट की फोटो। हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, ये तो बिल्कुल भी मेरी उम्मीदों और मेरी डिजर्विंग के विपरीत है। हु चूजेज मी शैल हैव एज मच एज यू डिजर्व, क्या लिखा था? जो डिजर्व करता वो मिलेगा। डिड आई डिजर्व नो मोर देन ए फूल्स हेड, क्या मैं इस फूल्स के हेड से ज़्यादा डिजर्व नहीं करता? इज दैट माई प्राइज, आर माई डेजर्ट नो बेटर, क्या ये मेरा इनाम है? क्या मैं इससे ज़्यादा की को डिजर्व नहीं करता? पोर्शिया, टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेज एंड ऑफ अपोज्ड नेचर। ऑफेंड करना और जज करना दो अलग अलग चीज़ें, यानी अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमें जज नहीं बनना चाहिए, गलती दूसरा करता है और जज दूसरा होता है। यानी खुद को, हमें अपने आप को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, हम नहीं बता सकते कि हमारा कौन सा कदम गलत होता है। एरेगोन, व्हाट इज हेयर, रीड करता है उसे। द 5-7 times ट्राइड दिस, किसी भी चांदी को, सिल्वर को 7 बार आग से निकाला जाता है। 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज, इसलिए हमारा जो जजमेंट है वो भी 7 बार सोचना चाहिए, यानी कोई भी फैसला लेने से पहले हमें 7 बार सोच लेना चाहिए। दैट डिड नेवर चूज अमिस, तभी गलत नहीं चूज करेंगे। सम देयर बी दैट शेडोज किस, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शेडो को किस करते हैं, यानी कि बाहरी दिखावे में आकर गलत चीज़ चुन लेते हैं। देयर बी फूल्स अलाइव, और वो जीते जागते मूर्ख होते हैं। सिल्वर्ड, और उनके बाल तो सफ़ेद हो गए होते हैं सिल्वर की तरह से, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती। सो वाज दिस, टेक वाट वाइफ यू विल टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड, यानी अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, यानी तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम एक बेवकूफ़ हो। सो बी गोन, यू आर स्पेड, स्टिल मोर फूल आई शैल अपियर बाय द टाइम आई लिंगर हेयर, यानी अभी तुम्हारे जैसे और भी फूल यहाँ पर आएंगे। विद वन फूल्स हेड आई केम टू वो, बट आई गो विथ टू, यानी एक फूल के हेड, जब मैं आया था तब अकेला फूल था, और अब जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ एक और है, यानी अब हम दो फूल हो गए हैं। स्वीट एड्यू आई विल कीप माई ऑथ पेशेंटली टू बियर माई रॉथ, अब मैं चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊँगा। एरेगन चला जाता है। पोर्शिया, दस हैड द कैंडल साइन द मोथ, इस तरह एक और मोथ यानी एक और जो कीट पतंगा था वो मोमबत्ती के सामने आकर जल गया। ओ दीज डेलीब्रेट फूल्स, वैन दे डू चूज दे हैव टू विजडम बाय देयर विट टू लूज, यानी कि ये खुद चूज करते हैं। दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज, उन्हें इतनी बुद्धि होनी चाहिए। नैरिसा, द एंशंट सेइंग इज नो हेयर से, पुरानी कहावत है, हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, मौत और शादी डेस्टिनी से होती है, यानी कि हमारी किस्मत से होती है। पोर्शिया, कम ड्रॉ द कर्टन, और वो कर्टन ड्रॉ करने के लिए बोलती है। मैसेंजर, वेयर इज़ माई लेडी, एक मैसेंजर आता है पोर्शिया को ढूंढते हुए, और वो खबर देता है, मैडम देयर इज अलाइटेड एट योर गेट ए यंग वेनेशियन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड फ्रॉम हुम द ब्रिंग सेंसिबल रिग्रेट्स टू विट।
कॉर्टियस ब्रेड गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू। यहाँ पर बसैनियों के आने की सूचना होती है कि बसैनियों के आने से पहले उसका एक मैसेंजर आता है, वो अपने साथ में काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, यानी कि इम्प्रेशन जमाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। और उसका मैसेंजर उसे, पोर्शिया का मैसेंजर देखते ही खुश हो जाता है, उसे लगता है कि इस बार कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ रहा है पोर्शिया से शादी करने के लिए। टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड एट दिस फोर स्पर्ट कम बिफोर हिज लॉर्ड। वो अपने लॉर्ड से पहले आ रहा पोर्शिया। नो मोर आई प्रे दी आई एम हाफ अफ्रेड। अब और नहीं आने चाहिए। दाउ विल से एनन ही इज सम किन टू दी। तुम ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। दाउ स्पेंड सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम। इसलिए इतनी तारीफ कर रहे हो। और साथ ही यहाँ पर नेरिसा कहती है बसेनियो लॉर्ड लव इफ दाई विल बी। काश ये बोसैनियो हो। और इसके साथ ही ये हमारा एक्ट सेकंड खत्म हो जाता है।